इधर के दिनों में सावन के महीने में भोले के शंकर भगवान के भक्तों की बढ़ गई है संख्या। एक बार भीड़ ज्यादा बढ़ गया अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में बाबा सिद्धनाथ मंदिर में हुई भगदड़ में 7 लोगों की मौत होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सावन के महीने में भगवान शिव भक्तों की संख्या बढ़ गई है और लोगों में भगवान को जल चढ़ाने और दर्शन करने की जल्दी है। भीड़ बढ़ने की वजह से मंदिर में एक साथ जाने और निकलने की वजह से ये घटना घटी। साथ ही साथ उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। सावन के महीने में भोले के शंकर भगवान के भक्तों की बढ़ गई है संख्या और जिसके कारण सबको लगता है जल्दबाजी में हम ले लें, पहले आगे जाएं जल्द। और मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज्यादा बढ़ गया अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहां सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है महादेव उनको सहने की ताकत दे। कांग्रेस जेपीसी प्रोब डिमांड कर रही है, जयराम रमेश हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मोदानी स्कैंडल बोल रहे हैं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके यूज क्या होगा उनके धारक को। ये भ्रम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है, लोगों को भ्रम फैलाना।